महाराष्ट्र से हैं पूनम जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। हाँ मैम, मेरा ये सवाल है, अभी 4-5 दिन हो गए मेरे कान में ना एकदम आवाज ऐसी बंद हो गई है, सुन सा हो गया है। सरसों का तेल गरम करके उसमें लहसुन डालकर भी मैंने कान में डाला, अभी डॉक्टर के पास जाके गोली आई ड्रॉप भी लाया मैंने, ईयर ड्रॉप, लेकिन कुछ आराम नहीं है मैम मेरा वाला। मेरे मतलब एक तरफ से कान बंद सी हो गई है मेरे, वैसे जैसे सुनसान रात में कैसे सांड साई करके आवाज आती है वैसे आवाज आ रही है। जी कितनी उम्र है आपकी? सर मेरी 30 मतलब 33 उम्र है सर मेरी। आप क्या बहुत मेहनत करते हो? जी नहीं सर, अभी कुछ मतलब अभी कल 15 दिन होते हैं तो मेरा नजदीक का ऑपरेशन हो गया है, तो अभी मम्मी की यहाँ आई हूँ मैं, लेकिन अभी मुझे कोई काम वगैरह नहीं है सर। मैं बाहर गांव से आई तो कान अच्छा था मेरा वाला, लेकिन उसके 4-5 दिन बाद से एकदम से कान बंद हो गई। बस से प्रवास किया सर हमने, और उसके 4-5 दिन अच्छा लगा, लेकिन 4-5 दिन के बाद में मतलब कान अचानक से बंद हो गई सर मेरी वाली, एक तरफ की दाहिनी तरफ की कान। ठीक है ठीक है। अच्छा बच्चा देखो मेरी बात गौर से सुनो। अगर आप ऐसे कोहनी के ज़रिए ऐसे लेट जाती हो, ऐसे टीवी देख रहे हैं और ऐसे करके लेट के देखते हैं तो मत देखा करो, या ऐसे करके इधर, और बहुत गर्दन पे फ़र्क नहीं पड़े, यहाँ पर ना पीछे गर्दन पर, और एक एक्सरसाइज शुरू करिए। ऐसे बैठे मेरी तरह और देखिए, ये आप पूरे दिन करिए जितना भी आपके बस में है, ठीक है? एक ये एक्सरसाइज और एक ये देखिए, पूरी तरह मोड़ लो, ये हमारी ठोड़ी यहाँ तक आ जाती है, देखिए फिर यहीं देखना है। आपके जितना बस में हो उतना करिए, ठीक है? और कम से कम 15 दिन लगातार करिए। बहुत मुमकिन है कि किसी दवा की ज़रूरत ना पड़े, बस इससे ही आप अच्छे हो जाएं। और अगर पड़े ज़रूरत तो गौंद सिया असली लेकर आधा ग्राम रोज़ खाया करें। गौंद सिया एक काला गौंद को कहते हैं, काला गौंद भी से कहा जाता है, जो नकली बहुत मिलता है। असली लें और आधा ग्राम एक चम्मच शहद में मिला के रोज़ाना एक बार खा लिया करें, और दूध या पानी पी लिया करें, थोड़ा कड़वा होता है, या मलाई में मिला के खा लें। ऐसे ही खाएंगे अगर उसको तो कड़वा बहुत होता है, क्योंकि गोंद है तो वो मुंह में चिपक जाता है, कड़वा बहुत होता है, फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो मलाई में मिलाकर या शहद में मिलाकर एक बार खाया करें, और ये एक्सरसाइज जितना आपके बस में है करिए, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है।